इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आपको सीधा लिए चलते हैं राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई में, जहां पर वेंकैया नायडू कुछ कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वेंकैया नायडू ने कहा, राज्यसभा में जो हुआ उससे मैं दुखी हूं। राज्यसभा में भावुक हो गए वेंकैया नायडू। कल की आपने तस्वीर देखी, जहां पर विपक्ष के नेता न सिर्फ टेबल पर चढ़े बल्कि उन्होंने रूल बुक भी चेयरमैन की सीट की तरफ उछाल दी। और आज राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने अपना जब बयान पढ़ा तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, और वो काफी भावुक हो गए अपना ये बयान पढ़ते हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में सभापति भावुक हो गए। वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा में कल जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत दुखी हैं। आपको जानकारी दे दें, विपक्ष के सांसद न सिर्फ कल राज्यसभा में उन्होंने मर्यादाओं को तार तार किया, उन्होंने न सिर्फ मेज पर चढ़कर नारेबाजी की, हंगामा किया, बल्कि राज्यसभा की रूल बुक को भी चेयरमैन की चेयर की तरफ उछाल दिया। जाहिर है राज्यसभा में हंगामा काफी हुआ, इसी बात को लेकर वेंकैया नायडू दुखी हैं। और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये संभावना पूरी है कि आज ही मानसून सेशन का अंत कर दिया जाए, जितने महत्वपूर्ण बिल हैं वो पास हो चुके हैं या फिर उन पर चर्चा हो चुकी है। ऐसे में आज ही संसद को विराम दे दिया जाए, मानसून सत्र को खत्म कर दिया जाए। और उससे पहले ये जो तस्वीर सामने आई वो वाकई में पूरे देश को हैरान करती है और परेशान भी करती है कि क्या विरोध करने का ये तरीका मर्यादित तरीका कहा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के सांसद प्रताप बाजवा से इस पूरी घटना के बाद जब राय ली गई तो उन्होंने अपने कृत्य पर उन्होंने थोड़ी सी भी शर्मिंदगी व्यक्त नहीं की और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया वो ही उन्हें करना चाहिए था। इस बीच लोकसभा से भी खबर आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। तो राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही के स्थगन की खबर अभी अभी आ रही है। और बहुत ही निराशाजनक कल का दिन सदन के इतिहास में रहा, ऐसे सदन चलते हुए मैंने नहीं देखा। इधर एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं, उनके साथ पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। राज्यसभा में कल हुए हंगामे को लेकर चर्चा होनी है, प्रधानमंत्री से मिले गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। वेंकैया नायडू ने जो कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से आज अपना बयान पढ़ते वक्त वो भावुक हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, एक के बाद एक बहुत सारी तस्वीरें संसद से हमें ऐसी देखने को मिली जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी। आपने विधानसभाओं से ऐसी तस्वीरें जरूर देखी होंगी जहां पर विधायक वेल की तरफ आ जाते हैं, चेयर पर चढ़ जाते हैं, प्लेकार्ड लहराते हैं, लेकिन आज जो कल हमने तस्वीर देखी राज्यसभा में वो to place and record the way this august house is being subjected to sacrilege and that too propelled by a sense of competition among some sections of the house since the commencement of this monsoon session everything said or done violating hurting or destroying this sacredness of any place amounts to an act of sacrilege we are a land of temples churches mosques and gurudwaras these are holy places with demarcated sacred areas which are known as sanctum sanctorum the parliament the apex legislature of our country is regarded as the temple of democracy the table area where the officers and supporters of the reporters of the house the secretary general and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the house a certain degree of sacredness is attached to this place in our temples devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond
entering this sanctum sanctorum of the house in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this august house to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the house, protested and voted against that this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it, withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. Language were used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the house without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for a year. I find it difficult to understand as to why the subject was listed in the list of business for yesterday would have prevented any member to raise any issue concerning the farm sector, including three farm bills that some members were keen to raise in the house and even demanding their withdrawal. Yesterday was a golden opportunity for the concerned members to have gone on record with their positions on all issues relating to the right of the farmers. But it was not to the please have the decency at least that the chair is saying something at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. The positions on all issues to the right of farmers, but it was not to be, as the sole intention seems to be not to allow the house to function. Sir, 35 bills have been passed. Right at the start of the proceedings of the house yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. Then, what is worrisome, some members of the house have caught the sad moments of sacrilege in the house yesterday and posted it on the social media. By doing so, they only ended up showing the people to the extent which this august house can degenerate to the newfound competitiveness and aggressive disruption by some sector. I was very sad. I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. As the chairman of the house, I am sacred to visualize implications and consequences of such competitive acts of sacrilege in our temples of democracy. The earnest appeal to the corrective conscience of this house to seriously reflect on what happened yesterday, to explore the remedies. If any failure to do would certainly amount to the setback to our parliamentary democracy, it will make it irrelevant. I would like to remind all of you that we begin to celebrate 25 years of our independence in a few days from now. The choice before each one of you is very clear. Either to be best parliamentarian or the worst disruptor, the choice is yours. And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the house like this. I am adjourning the house to meet at 12 a.m. तो आपने पूरा बयान सुना। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और दो दिन पहले ही मॉनसून का सत्र भी खत्म किया जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की पहले तो संसदीय कार्यवाही में जो पूरा बयान वेंकैया नायडू ने पढ़ा, और कितनी हैरानी की बात है और कितने दुख की बात है कि जब वो अपना बयान पढ़ रहे थे उस दौरान भी विपक्ष के नेता नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि बार बार ये कहा गया कि कम से कम आप इतनी मर्यादा तो दिखाएं, इतनी डिसेंसी तो दिखाएं कि आप मुझे बयान पूरा पढ़ने दें, आप इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। इस बीच आप तस्वीर देख रहे हैं लोकसभा की, जो अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 13 तारीख तक का मॉनसून सत्र था, लेकिन उससे दो दिन पहले ही यह सत्र खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, पहले तो दो दिन पहले यह सत्र क्यों खत्म कर दिया गया? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष क्योंकि डिस्कशन नहीं चाह रहा था। आप कोविड की सिचुएशन को ही देखें तो तकरीबन एक सप्ताह से कोविड के मसले पे चर्चा को लेकर लोकसभा के बिजनेस में वो लिस्टेड था, लेकिन क्योंकि सदस्य विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा कर रहे थे, सदन की कार्यवाही नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ जो बिल पास कराए जाने थे
वो आनंद फानंद में वो बिल पास कराए गए, क्योंकि उससे भी डिस्कशन के लिए विपक्षी सदस्य से तैयार नहीं थे, तो तकरीबन 20 विधेयक पास करा दिए गए थे। हालांकि उत्पादकता के लिहाज से देखें तो महज 22% का रहा है, तो मोदी सरकार 1 या मोदी सरकार 2 दोनों की अगर तुलना कर लें तो शायद ये सबसे कम जिन सत्रों में काम हुआ है उनमें से ये एक सत्र रहेगा, जिसमें से महज 22% उत्पादकता के साथ लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई कि सदन को सुचारू तरीके से चलाया जाए। विपक्षी सदस्य लगातार अलग अलग मसलों को लेकर हंगामा करते रहते हैं, वैसी स्थिति में शुरू में हम इसे सरकार की नाकामी कहें या विपक्ष की हठ धर्मिता कहें कि जो सदन चर्चा के लिए बनाया गया है वहां राज्यसभा की तस्वीरें तो कल सबने देखी। निश्चित तौर पर राज्यसभा की तस्वीर को अगर आप देखें तो वो बहुत असामान्य तस्वीर थी, और निश्चित तौर पर उसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश भी है इस बात को लेकर कि किस प्रकार से सदन की परंपरा को सार किया जाए, चेयर की तरफ बुक उछाला गया। तो जाहिर तौर पर एक लो, नया लो आप कह सकती हैं कि सदन की कार्यवाही को लेकर के अपनी बात कहना, अपने मसलों को उछालना अलग मसला होता है, लेकिन वहां पे टेबल पे चढ़ के चेयर की तरफ पुस्तक को उछालना, भले ही वो सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद ये की गई थी, लेकिन निश्चित तौर पर वो तस्वीर बहुत ज्यादा शर्मनाक थी, जिसे कोई भी सांसद देखकर उसे देखना नहीं चाहेगा कि वो इन सब चीजों में शामिल था। जाहिर तौर पर इस बात को लेकर क्योंकि नाराजगी ज्यादा थी, सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि उन सदस्यों के ऊपर कार्रवाई भी की जाए जिन्होंने ऐसा काम किया। आप देखना होगा कि सदन इस मामले में क्या फैसला लेता है। जी, अगर 2 दिन ये और सत्र आगे चलाया जाता, क्योंकि आज 11 तारीख हो गई, 12 और 13 यानी कल और परसों का 2 दिन और अगर ये सत्र चलता तो भी शायद संवाद के लिए जगह बची नहीं थी इस सत्र को, जिस तरीके से हमने चलते देखा है। देवेंद्र, एक सप्ताह पहले ये बात समझ में आ गई थी सत्ता पक्ष को कि अब कोई भी समझौते की गुंजाइश नहीं दिख रही है। उसके पीछे बड़ी वजह जो हमें बताई जाती थी के द्वारा वो ये कि विपक्ष सीरियस डिस्कशन के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे पेगासस के मसले को टीएमसी के सांसद बहुत ज्यादा आंदोलित थे, लेकिन जैसे ही पेगासस को लेकर चर्चा करने की बात कही जाती थी कि वो गोल पोस्ट चेंज करते थे, कभी ये कहना कि प्रधानमंत्री जवाब दें, फिर ये कहना कि प्रधानमंत्री मौजूद रहे, गृहमंत्री जवाब दें, जबकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता था कि क्योंकि जिस मंत्रालय से संबंधित यह मामला है उसके मंत्री जवाब देंगे, उसके मंत्री राज्यसभा में जब जवाब दे रहे थे तो आपने तस्वीर दी किस प्रकार से स्टेटमेंट को भी फाड़ दिया गया था। तो कुल मिलाकर विपक्ष का जो रवैया था निश्चित तौर पर वो हठधर्मिता वाला ज्यादा था, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने वाला ज्यादा था, वहां पर सरकार के लिए उन्हें समझा पाना निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा मुश्किल रहा। हालांकि सरकार के जो फोर मैनेजर थे लगातार इस बात लेकर कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से डिस्कशन हुआ, हालांकि राज्यसभा में आपने देखा भी कि कोविड पे डिस्कशन हुआ और उसके अगले दिन जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उस सर्वदलीय बैठक में खुद राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से नहीं पहुंचे थे या कांग्रेस के नुमाइंदा नहीं पहुंचे थे, तो उससे सरकार को इस तक में आ गया कि अब आगे डिस्कशन की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि तकरीबन एक सप्ताह से लगातार प्रतिदिन लिस्ट में शामिल किया जा रहा था कोविड के डिस्कशन, कोविड के मैटर को डिस्कशन के लिए, बावजूद इसके उस पर चर्चा नहीं हो पाई। बिल्कुल देवेंद्र, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर एक्शन होगा। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।